हेलो एंड वेलकम टू indiabird.com। फ्रेंड्स, जेपीएससी एई का एग्ज़ाम कुछ दिनों में है, तो हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेस और आईटी साइंस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके जो जनरल अवेयरनेस पेपर है उसमें, तो हम लोगों ने चार पार्ट का वीडियो बनाया। तो पहला पार्ट आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर से आप जाके देख लें। ये पार्ट टू है, टोटल 25-25 क्वेश्चंस के चार पार्ट हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चारों पार्ट जरूर देखें। तो इस पार्ट में भी आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस पार्ट में मेन जो फोकस है वो इसरो से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपको यहाँ पर काफ़ी मिल जाएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, किसी सवाल सुझाव के लिए कमेंट करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद फिर बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आपको फ्री में अपडेट्स मिलते हैं, एग्जाम अपडेट हो, रिजल्ट अपडेट हो, स्टडी मटेरियल अपडेट हो, सारे अपडेट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे फ्री में। उसके बाद सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। तो इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, इसरो किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था, 15th अगस्त 1949 या 15th अगस्त 1969, 15th अगस्त 1972 या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 15th अगस्त 1969 को इसरो एस्टैब्लिश हुआ था। क्वेश्चन टू, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे, मैलस्वामी अन्नादुरई, बी एन सुरेश, विक्रम साराभाई या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है सी, विक्रम साराभाई, ये थे इसरो के पहले चेयरमैन। क्वेश्चन थ्री, विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट कौन सा था, कल्पना वन, भास्कर, आर्यभट्ट या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ए, कल्पना वन, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट था। क्वेश्चन फोर, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ट बाय इंडिया, तो ऐसा कौन सा सैटेलाइट था जिसको इंडिया ने सबसे पहले बनाया था, भास्कर, आर्यभट्ट, स्पुटनिक या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन फाइव, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसएलवी, जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जियोसिंक्रोनस स्पेस लॉन्च व्हीकल या जियोसिंक्रोनस स्कॉलर्स लॉन्च व्हीकल या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन सिक्स, व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ चंद्रयान टू मिशन, चंद्रयान टू जो मिशन था उसका टोटल कॉस्ट कितना था, तो 1078 करोड़, 1078 करोड़, 978 करोड़, 879 करोड़ या 1575 करोड़। ये इंडियन रुपीज में है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, 978 करोड़। क्वेश्चन सेवन, व्हाट इज मीन्ड बाय पीएसएलवी, पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या पोलर स्मॉल लॉन्च व्हीकल या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन एट, व्हेन वाज पीएसएलवी लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पीएसएलवी सबसे पहले लॉन्च किस ईयर में हुआ था, 2008, 2016, 2003 या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है बी, 2016। क्वेश्चन नाइन, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन पीएसएलवी, पीएसएलवी में कितने स्टेजेस होते हैं, 4, 3, 2 या इसमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पीएसएलवी में होते हैं टोटल 4 स्टेज। क्वेश्चन टेन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसएलवी, एएसएलवी का क्या है फुल फॉर्म, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या एयर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ऑगमेंटेड स्पेस लॉन्च व्हीकल या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन 11, इन विच प्लेस डिड डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है बी, तिरुवनंतपुरम में है आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्वेश्चन 12, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ डीआरडीओ, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलोर या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है बी, न्यू दिल्ली में है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन 13, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो के करंट चेयरमैन कौन है,
के सिवन, ए एस किरण कुमार, एस क्रिस्टोफर या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के सिवन, ये है अभी करेंटली इसरो के चेयरमैन। क्वेश्चन 14, फाइंड द ऑड वन। इसमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। ए एस किरण कुमार, डॉक्टर के राधाकृष्णन, श्री जी माधवन नायर या एस क्रिस्टोफर। तो करेक्ट आंसर जो है ये है ऑप्शन डी, यानी ये है ऑड वन आउट। बाकी तीनों जो है वो इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। क्वेश्चन 15, व्हेन वाज चंद्रयान वन लॉन्च। चंद्रयान वन को कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 या 2 अक्टूबर 2008 या 22 अगस्त 2008 या नन दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 22 अक्टूबर 2008। क्वेश्चन 16, द एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट SROSS एब्रिविएशन मीन्स। तो जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है SROSS, उसका क्या है फुल फॉर्म? स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज, स्पेस रोहिणी सैटेलाइट सीरीज या सुपर रोहिणी सैटेलाइट सीरीज या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ए स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। क्वेश्चन 17, विच वन इज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस। इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा है जो एक्सक्लूसिवली एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होता है? निसार, एड्यूसैट, इनसैट 4CR या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एड्यूसैट। क्वेश्चन 18, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्पेस साइंस इन इंडिया। तो मॉडर्न स्पेस साइंस के फादर किसको बोला जाता है इंडिया में? सतीश धवन, विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है बी विक्रम साराभाई, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न स्पेस साइंस। क्वेश्चन 19, अकॉर्डिंग टू इसरो चंद्रयान 2 मून मिशन वॉज टू एक्सप्लोर विच एरिया ऑफ द मून। तो इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 का जो मून मिशन था वो किस मून के किस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए था? मून्स नॉर्थ पोल या मून साउथ पोल या मून्स नॉर्थ वेस्ट पार्ट या अनएक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ द मून। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मून्स साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन था। क्वेश्चन 20, चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च वाई। तो चंद्रयान 2 किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था? PSLV MK2, PSLV MK3, GSLV MK2 या GSLV MK3। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी GSLV MK3 से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 21, वन ऑफ द कंट्रीज मेंशन्ड बिलो हैव नॉट कंडक्टेड मून लैंडिंग मिशन। आइडेंटिफाई द कंट्री करेक्टली। तो इन चार कंट्री में से एक कंट्री है जिसने मून लैंडिंग मिशन जो है वो कंडक्ट नहीं किया है अभी तक। कौन सा कंट्री है? चाइना, USA, रसिया या फ्रांस? तो करेक्ट आंसर है डी फ्रांस। क्वेश्चन 22, हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 2 मींस हु वाज। तो चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? मुथैया वनिता, निशा सुब्रमण्यम, कीर्ति कुमारी या गंगा प्रणाधम मन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुथियाला वनिता। तो मुथियाला वनिता थी प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 2 की। क्वेश्चन 23, व्हाट वाज द नेम ऑफ चंद्रयान 2's लैंडर। चंद्रयान 2 का जो लैंडर था उसका नेम क्या था, नाम क्या था? धर्मा, भीम, कृष्णा या विक्रम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विक्रम। विक्रम लैंडर बोला जाता है, तो वही लॉस्ट हो गया था आखिरी क्षणों में। क्वेश्चन 24, द चंद्रयान 2 मिशन रोवर इज कॉल्ड। चंद्रयान 2 का जो मिशन का जो रोवर था उसका नाम क्या था? प्रज्ञान, ध्रुव, अशोक या आकाश। करेक्ट आंसर है ए प्रज्ञान। प्रज्ञान रोवर बोला जाता है, वो रोवर था उस मिशन का। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट चंद्रयान 2's ऑर्बिटर। तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है ये इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये क्या करेगा, ब्रिंग इट विल ब्रिंग द कमांड सेंट फ्रॉम इसरो सेंटर टू द लैंडर एंड द रोवर। मतलब ये इसरो सेंटर से लैंडर और रोवर को जो कमांड देना है वो देने का है। या ऑर्बिटर ऑफ चंद्रयान 2 विल बी इंस्टॉल एट 100 किलोमीटर अबव द मून। मतलब कि ऑर्बिटर जो है चंद्रयान 2 का वो इंस्टॉल किया गया है 100 किलोमीटर
मून के से, या इसमें आठ इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है ऑल द एबव, मतलब ये तीनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितने आ रहे हैं मार्क्स अप टू 25। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फिर आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सजाव सवाल सुझाव को दे सकते हैं, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्री में आपको यहाँ पर अपडेट्स मिलते रहते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 3 के साथ।